मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। पूरे देश सहित नगर में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत के कारण आम लोग जान जोखिम में डालकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। राजगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइन लग गई और आम लोग वैक्सीन लगवाने की होड़ में सोशल डिस्टेंस भूल गए। हालात बिगड़ता देख स्थानीय जिम्मेदार ने पुलिस को बुलाया और वैक्सीनेशन का कार्य पूरा करवाया। भीड़ में आम आदमी होता रहा परेशान। जब से वैक्सीन का कार्य जारी है, जब से सामाजिक दूरी तो मानो कागजों पर ही सिमट गई है और नियमों को ताक पर रखकर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, जबकि जिम्मेदार के पास कोई ठोस योजना नहीं है जिससे ना केवल आम लोगों की परेशानी ना हो बल्कि नगर से भी अच्छा मैसेज जाए। कम वैक्सीन भी बड़ा कारण। नगर व आसपास के ग्रामीण जन यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, पर वैक्सीन की मात्रा कम होने के कारण आम लोगों को दिक्कत आ रही है। शासन को चाहिए कि वैक्सीन अधिक मात्रा में बुलवाए, सुबह टोकन दे सकते हैं। शासन अगर वैक्सीन की मात्रा कम भेजते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सुबह जल्दी टोकन भी बांट सकते हैं, जिससे दिन भर आम लोग परेशान ना हो। धक्का मुक्की आज स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हुई धक्का मुक्की, वहीं कई लोगों के पास मास्क तक नजर नहीं आए। 30,000 वाले नगर को सिर्फ 150 वैक्सीन। आज बात करें राजगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तो यहां मात्र 150 वैक्सीन ही प्राप्त हुए, जबकि नगर की आबादी ही लगभग 30,000 है और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग अलग अलग। ऐसे में कैसे किस सेंटर पर वैक्सीन भेजते हैं, ऐसे जिम्मेदार भी कैसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये सवाल या निशान है। जिम्मेदार बोले, वैक्सीन अगर ज़्यादा आएगी तो हम दिन भर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। रही बात टोकन की तो हमें हमारे उच्च अधिकारियों की ओर से निर्देश नहीं है। हम आम लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन की अपील भी बार बार करते हैं। राहुल कुलथिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़। जिम्मेदार बोले, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है कि यहाँ वैक्सीन ज़्यादा दी जाए ताकि जो लोग सेंटर पर आए उन्हें वैक्सीन लगाई जा सके। आपने जो टोकन का सुझाव दिया है उस पर भी उच्च अधिकारियों से बात करके जल्दी ही निर्णय लेते हैं, जिससे आम लोग दिन भर परेशान ना हो। शीला मुजालदा, CBMO सरदारपुर। राजगढ़ से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट।